बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हालात को मद्देनज़र रखते हुए ओरिएंटल पब्लिक स्कूल ने आपकी सहूलत के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, जिसके ज़रिए आप घर में बैठे बैठे पढ़ने के काबिल हो सकेंगे और आपका कीमती वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। मैं आपकी उर्दू की उस्तानी हूँ और आज से आपको उर्दू का गुलदस्ता के सिलसिले की चौथी किताब नरगिस पढ़ाना शुरू करूँगी। ये एडिशन चौथी जुमात के तलबा और तलबात के लिए हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई का आगाज करते हैं। किताब का सफ़ा नंबर दो खोले। हमारा आज का मौजू है हम का मतलब है तारीफ करना। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो उसे हम कहते हैं। अब हम अपने सबक का आगाज करते हैं। अपनी किताब की तरफ देखते हुए मुझे गौर से सुनिए। सफ़ा नंबर दो, हम्द। हम का मौजू है मेरा खुदा मेरे साथ है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर। ना उजाले में है किसी कदर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। टूट कर आसमां सितारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। मेरे रास्ते में हो अगर मैदा या पुराना कोई कंडर सुनसा, कोई मरगट हो या हो कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरे औसा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। हो बयाबां में गुजर मेरा या समंदर पे हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस हम को लिखा है इस्माइल मिर्टी ने। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को पहले बंद की तशरीह करवाऊंगी। पहले बंद में शायर कहता है, ये है पहला बंद, है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर। ना उजाले में है किसी कदर, ना अंधेरे में कोई खौफ व खतर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस बंद में शायर कहता है कि मेरी नज़र हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर होती है, चाहे दिन हो रात हो या सुबह का वक्त हो, मेरी नज़र हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर होती है। ना मुझे रोशनी में डर लगता है और ना मुझे अंधेरे में कोई डर लगता है, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। अब दूसरे बंद को देखिए। टूट कर आसमां सितारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। अब दूसरे बंद में शायर कहता है, जैसे रात के वक्त सितारे टूट जाते हैं और लोग डर जाते हैं, और वो टूटते तारे रात को ऐसे गिरते हैं जैसे दहकता हुआ कोयला, और बेचारे लोग वहम करते हैं,
डर जाते हैं, लेकिन मैं नहीं घबराऊंगा क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। अच्छा बच्चों, अब आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए। बोर्ड पे मैंने आप लोगों के लिए मामन अल्फाज और मुश्किल अल्फाज के मानी लिखे हैं। पहले आप लोग मामन अल्फाज की तरफ देखें। पहले ये जान ले कि मामन अल्फाज क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है। मामन अल्फाज वो अल्फाज जो जुमले को तरतीब देते हैं जैसे जुमला मुकम्मल होता है। अब इसमें है मैं, है, हो, का, ये अल्फाज जो है इसे मामन अल्फाज कहते हैं। अब है मुश्किल अल्फाज और उसके मानी। पहला है शब, बयाबां, खतर, सहर। शब के मानी है रात। शब के मानी है रात। बयाबां, बयाबां के मानी है वीराना। खतर का, खतर के मानी है खतरा। खतर के मानी है खतरा। सहर, सहर का मतलब है सुबह। सहर का मतलब है सुबह। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने हम सुन भी ली और पढ़ भी ली। अब आप लोग इस तरह करें कि इस हम के मुश्किल अल्फाज ज़ुबानी याद करें और कॉपी में इसको खुशखत लिखिए। शुक्रिया।